ईश्वर प्राप्ति के विधि हैं। ॐ नतम विधातय इमा जजानाय दुष्माकमन्तरं बभूव नोहारेण प्रावृता जल्पया चाशुतपा उक्त सास चरन्ति। ऋग्वेद 10:82, यजुर्वेद 17:31। शब्दार्थ है, मनुष्यो न तम विदात, तुम उसे नहीं जानते, यह इमा जजान जिसने इन लोकों को उत्पन्न किया, युष्माकम अन्यत वह तुमसे भिन्न है, परंतु अंतरम बभूव वह तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा में विद्यमान है, तुम उसे नहीं जानते, क्योंकि निहारेण प्राप्ता तुम अज्ञान व अंधकार के कोहरे से ढके हुए हो, जल्पया जल्पी हो, व्यर्थ की बातें करते रहते च और कशु तप केवल प्राण पोषण में लगे रहते हो, उक्त सास वेद मंत्रों का उच्चारण मात्र करने वाले आचरणहीन होकर चरंती विचरते हो। भावार्थ, ईश्वर इस सृष्टि का सृष्टा है, इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को वस्तु अपने सृष्टा का पता दे रही हैं, इस सृष्टि का रचयिता तुमसे भिन्न है और तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा में ही बैठा है, फिर भी तुम उसे नहीं जानते, तुम उसे इसलिए नहीं जानते क्योंकि तुम अविद्या और अज्ञान में फंसे हुए हो, ईश्वर तुमसे दूर नहीं परंतु अपने अज्ञान के कारण तुम उसे जान नहीं पाते, तुम जल्पी हो, व्यर्थ की गपशप में, व्यर्थ की बकवास में अपना समय नष्ट करते हो, तुम प्राणों के पोषण में लगे रहते हो, खाना पीना और मौज उड़ाना तुमने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, तुम स्तुति प्रार्थना उपासना भी करते हो तो हृदय से नहीं दंभ से करते हो, इन चार बाधाओं को हटा दो, आपको ईश्वर के दर्शन होंगे।